हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेटरनरी। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के बारे में। आजकल जो है क्वेश्चन, पार्ट टू के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं प्लांट बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट से लेकर। इसलिए सर, प्लांट बिल्डिंग अलोन में प्लांट बिल्डिंग के साथ जेनेटिक्स और टेक्निक है ना, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या मार्कर्स का कॉन्सेप्ट टेक्निक से उठा के अपने प्लांट बिल्डिंग और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबको मिक्स करते हुए है ना, मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत सारे। तो क्वेश्चन भी होंगे आगे, जैसे जैसे हर टॉपिक के साथ जो रिलेटेबल क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और साथ साथ में टॉपिक भी कवर किया जाएगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड एफ क्वेश्चन से, प्लांट ब्रीडिंग, और इसके बाद जो है एनिमल ब्रीडिंग भी किया जाएगा। और इनमें आजकल जो है मार्कर रजिस्टर्ड सिलेक्शन है ना, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम नॉर्मल सिलेक्शन भी पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे कन्वेंशनल तरीके होते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि काफी टाइम टेकिंग होते हैं 7 to 8 years, जिसमें आपके क्लोनल सिलेक्शन आते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन आते हैं, मास सिलेक्शन आते हैं, रिकरेंट सिलेक्शन आते हैं। तो बहुत सारे सिलेक्शन भी करेंगे। फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मार्कर की हेल्प से प्लांट भी जो है अच्छे वेराइटी के प्लांट को सिलेक्ट करना और फिर उसको ब्रीडिंग के लिए मतलब यूटिलाइज करना, नए वैरायटी के लिए यूटिलाइज करना, वो सारी चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे। तो मार्कर के सेलेक्शन बढ़ेंगे, एनिमल ब्रीडिंग बढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर्ड एरिया है वो है प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि उसमें आप क्या है कि फ्री होते हो बहुत सारे प्लांट्स को लेके उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है आप प्लांट्स को कर सकते हो, जो कि एथिकली करेक्ट। एनिमल्स के साथ थोड़ा पंगा होता है एथिक्स का, तो वहाँ पे इतना ज्यादा ये चीज एक्सप्लोर नहीं है। तो ब्रीडिंग जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोर है ब्रीडिंग वो प्लांट में, प्लांट ब्रीडिंग ऑफकोर्स हम ज्यादा पढ़ेंगे, एनिमल ब्रीडिंग भी पढ़ेंगे और उसके बाद जो है मार्कर सेक्शन एफ में आता है आपका प्लांट ब्रीडिंग। तो अगर मैं प्लांट ब्रीडिंग की बात करूँ तो हम आज की वीडियो में प्लांट ब्रीडिंग क्यों करते हैं ये पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग में तरीके क्या क्या है, सिंपलेस्ट तरीका होता है प्लांट को इंट्रोड्यूस कराने का, यानी बेस्ट प्लांट आपको कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से आपको कोई बेस्ट वेराइटी दिखी आप उसको लेके आए और आपने उसको एज ए न्यू वेराइटी अपनी कंट्री में पॉपुलर कर दिया। ये एक सिंपलेस्ट मेथड होता है। तो हम प्लांट इंट्रोडक्शन देते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन बोलते हैं, वो हम आज के टॉपिक में कवर, धीरे धीरे दूसरे टॉपिक भी कवर होंगे, पर आज के टॉपिक में इतना ही हम पढ़ने वाले। तो हम पढ़ने वाले हैं आज क्या कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, एंड देन फिर हम प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट इंट्रोडक्शन, और ये भी जानेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग है क्या, तो करते क्यों है, ये बात भी हमें जानना जरूरी है। तो प्लांट ब्रीडिंग है सबसे पहले तो हम ये, तो प्लांट ब्रीडिंग के बारे में जब भी हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग जो है वो तो हम ना तो साइंस बोल सकते हैं अकेले, ना ही उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, बल्कि उसको हम बोलते हैं तीन या तीन चीजें बोलते हैं उसको। तो ये बोलते हैं कि ये आर्ट है, वो भाई ये आर्ट है, आर्ट में पता चलेगा अभी। तो साइंस है भाई, ऑब्वियसली इसको पढ़ हम साइंस में रहे तो साइंस है ही है, और इसमें यूटिलाइज होती है अपनी टेक्नोलॉजी, तो भाई टेक्नोलॉजी तो है ही है। तो टेक्नोलॉजी है क्या करना है, क्यों प्लांट ब्रीडिंग आर्ट है, क्यों प्लांट ब्रीडिंग साइंस है, क्यों प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, क्यों ये तीनों है, मैं बताती हूँ। प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है ना जो हम सदियों से करते हैं, मतलब बहुत पहले से, जब हमें साइंस का पता भी नहीं था, जब हमें टेक्नोलॉजी का पता भी नहीं था, तब से निकल जा रहे हैं। जब मेंडल ने जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, भाई बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू किया कि जीन है और जीन से फिर ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दिया, उस इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के आने से पहले से प्लांट ब्रीडिंग हो रहा है अनोइंगली, अनकॉन्शियसली, मतलब
लोग जानते नहीं तो क्या है जीन, कैसे इनहेरिट होता है, कुछ नहीं। बट हाँ, लोग आपने सुना होगा कि लोग ऐसे प्रैक्टिस करते थे कि जैसे दो गुलाब है, दो कलर के गुलाब है, तो उनको क्या करना है, उनके स्टैम्प को कट करके आपस में बांध दिया और बांध के क्या किया कि एक ऐसा प्लांट डेवलप किया जो एक ही पौधे में दो कलर के फूल उगे, है ना। एक रेड रोज दे रहा है, उसी में साथ में ऑरेंज रोज भी दे रहा है, येलो रोज भी दे रहा है, व्हाइट रोज भी दे रहा है। यानी ये तरीका क्या था कि आपने एक नई वेराइटी निकाल दी कि एक ही प्लांट में आप कई कलर के रोजेस हार्वेस्ट कर पाए, है ना, कि एक ही प्लांट में आप कई कलर के रोज हार्वेस्ट कर पाए। यानी जब लोगों को पता भी नहीं था तब भी उन्होंने इस तरह के तरीके अपनाए, उन्होंने लाइन बनाया, लाइन बनाया, बहुत सारी वेराइटीज बनाई, पिक्चर बनाए, यानी ये आर्ट बोला। उसके बाद बात करेंगे कि ये साइंस क्यों बोला गया। जब इनहेरिटेंस आ गया, लोगों को पता चल गया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किस तरह से पेरेंट के ऑफस्प्रिंग में ले जा सकते हैं, किस तरह से बेस्ट कैरेक्टर के पेरेंट्स को मेट करा के हम बेस्ट फीचर वाले मतलब बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, प्लांट वेराइटी को डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज आई कि ये भाई ये साइंस क्या है, साइंस है। ऐसे ही क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आ गए हैं, और उनको ये पावर पता चला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं जीन्स में एक पर्टिकुलर जगह पे, कट करके हम अपना डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो डिजीज रेजिस्टेंट हो या फिर कोई हर्बिसाइड के लिए हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, बहुत सारी तरह के जीन जो वो इंट्रोड्यूस किए। तभी इसको हम क्या बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हो, प्लांट ब्रीडिंग में टेक्नोलॉजी आती। तो ये प्लांट ब्रीडिंग अलोन एक साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है एंड ये टेक्नोलॉजी है। क्यों करते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग, क्यों करते हैं? अब मैं प्लांट ब्रीडिंग क्यों करते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है भाई। सीधी बात है कि कुछ भी हम करते हैं तो क्यों करते हैं, एक सिंगल मोटिव जो होता है आज दुनिया में हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमको चाहिए होता है पैसे। तो वैसे ही जो हमारे फार्मर्स हैं, फार्मर्स बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, है ना, फार्मर्स बहुत सारे क्रॉप टिक क्रॉप काई काई थी चैरल ग्रेन और ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स भी बना रहे हैं, मतलब बना क्या रहे हैं, प्रोड्यूस कर खेती कर, और ऑर्नामेंटल फ्लावर्स मिल रहे हैं आजकल हमें इनसे। इसके अलावा हर्ब्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलता है, हर्ब्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं। उसके अलावा फार्मर्स मुर्गी पालन, पशु पालन, बहुत सारी चीजें होते हैं, एनिमल्स कैटल सब हमारे यूज में आते हैं। और एज वेल एज जब हम एनिमल्स से डील करते हैं ब्रीडिंग में तो वो एनिमल ब्रीडिंग हो जाती है। यानी अगर हम अपने चिकन के लिए या अपने एग के लिए बर्ड्स को मतलब मुर्गियों को पाल रहे हैं या फिर काऊ कैटल को पाल रहे हैं मिल्क के लिए, तो ये क्या हो जाता है, ये सिर्फ एनिमल फार्मिंग हो जाती है। तो फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप्स उगा रहे हैं, क्यों उगा रहे हैं, क्योंकि भाई उनको सेल करके उनको पैसा लेना है। अब अगर आपको तो कि फार्मर्स ज्यादा से जितना ज्यादा अनाज उगाएंगे उतना ज्यादा वो उसको सेल कर पाएंगे, उतना ज्यादा पैसा, जितनी अच्छी क्वालिटी की उगाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का वो पैसा लेंगे। अगर किसी कारण से सीड में या फिर प्लांट क्रॉप में उसकी वैरायटी अच्छी नहीं है और वो लो यील्ड दे रहा है, यानी उसका पैदावार कम हो रहा है, कम पैदा हो रहा है, तो क्या इससे क्या होगा, फार्मर को लॉस होगा। और अगर किसी को किसी के धंधे में लॉस हो रहा है, किसी बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो उसको करना ही भूल जाएगा, सिंपल चीज है। तो ऑब्वियसली प्लांट ब्रीडिंग का ये जो आर्ट है, ये जो साइंस है, ये इसी मोटिव से तैयार किया गया है, इसी मोटिव से तैयार किया गया है कि फार्मर्स को पैसा मिले, फार्मर्स का फायदा। और फार्मर्स का फायदा कब होगा, जब
अच्छी क्वालिटी मिलेगी, जो भी सेरल ग्रेन है या जो फ्लावर है या जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और क्वालिटी के साथ साथ क्या क्वांटिटी भी अच्छी होगी। ठीक, अब सपोज हमने बेस्ट क्वालिटी का बासमती राइस डेवलप, बेस्ट 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 क्वालिटी, लेकिन अगर उस राइस की यील्ड काफी कम, तो क्या फार्मर को बेनिफिट होगा उससे? उतना ही बेच के वो बेनिफिट ले सकता है? यानी क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग को यूज करते हैं, यानी बेस्ट पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और उन बेस्ट पेरेंट्स की मेटिंग करा के, अलग अलग तरीके से मेटिंग करा के हम देखते हैं कि बेस्ट वेराइटी कैसे ली जाती, बेस्ट सीड वेराइटी कैसे हार्वेस्ट की जाती। ठीक, तो अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि प्लांट ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा, के अलावा क्वालिटी भी जरूरी होती है भाई, क्वालिटी भी जरूरी होती है। जितनी अच्छी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, क्वालिटी के लिए जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना बढ़िया उसका पैसा मिलेगा ऑब्वियसली। इसके अलावा एक और चीज होती है, जैसे हमारे इंडिया है, हमारे इंडिया में जैसे पॉपुलेशन बहुत, पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि हमारे पॉपुलेशन, हमारे फार्मर्स की एक सिंगल नीड होगी कि वो क्वांटिटी को ज्यादा प्रेफर करेंगे ओवर क्वालिटी। क्यों क्वांटिटी को ज्यादा प्रेफर करेंगे ओवर क्वालिटी? क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको कवर कर, हमारे वहां क्या है, हंगर एक बहुत बड़ा था। अगर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को राइस सप्लाई कर पा रहे हैं या बीट सप्लाई कर पा रहे हैं, यानी कि ज्यादा लोगों को सप्लाई कर पा रहे हैं, यानी ज्यादा पैसा, ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, तो क्वांटिटी हमारे वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत और पॉपुलेशन की नीड कवर करने के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके वहाँ क्या है, उनके वहाँ उनको चाहिए क्वालिटी, क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन क्वांटिटी उतनी मैटर नहीं करती है कितनी। तो वो प्लांट ब्रीडिंग किस ऑब्जेक्टिव से करेंगे, वो प्लांट ब्रीडिंग करेंगे किस ऑब्जेक्टिव से, कि वो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया क्वालिटी बना सके क्रॉप। तो बिल्कुल क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी। अब भैया मान लो किसी किसान ने खेती लगाई है, अपना फार्म लगाया, कोई क्रॉप लगाया और कोई इंसेक्ट आके उसको क्या करे, चू चकना चूर, यानी पत्तियां खा जाए, उसके फल खा जाए, उसके सीड्स को खत्म कर दे, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उसे नुकसान होगा, है ना, लॉस होगा। तो फिर फार्मर चेंज भी करना चाहेगा, एक मतलब एक इंसेक्ट पॉपुलेशन आके उसकी पूरी की पूरी खेती खराब कर जा रहा है और उसके पास कोई उपाय नहीं, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में उसे लॉस होगा। तो ऑब्वियसली प्लांट ब्रीडिंग के हेल्प से हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस वाले प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, दूर कर। जैसे आप लोगों ने बीटी क्रॉप का नाम सुना ही होगा, बीटी क्रॉप फ्राई प्रोटीन होते हैं, उनमें वो फ्राई प्रोटीन जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। जब भी कोई गट, जब भी कोई कीड़ा इंसेक्ट जो है वो खाता है उनके लीव को या किसी भी पार्ट को, तो क्या होता है कि वो उनके गट में जाता है, वो प्रोटीन एक्टिवेट होता है और उसके बाद वो गट जो होता है उनका ब्लास्ट कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है और उनकी डेथ होती है। तो इस तरह से इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए जाते हैं। इसके अलावा डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट भी बनते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट जो होते हैं उनमें क्या, उनमें हम ऐसे प्लांट कहीं से कोई ऐसे जीन आइसोलेट करते हैं किसी प्लांट में, जो मतलब किसी पर्टिकुलर डिजीज से इस प्लांट को प्रोटेक्ट करता हो, और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके प्लांट से क्रॉप बनाते हैं। इसके अलावा कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे सिलेक्शन तरीकों को अपना के हम ऐसे प्लांट ढूंढ निकालते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिजीज को रेजिस्टेंट है। तो इस तरह से रेजिस्टेंट क्रॉप का डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप का भी डेवलपमेंट कर सकते। उसके बाद चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। ठीक, तो अब बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनको मेच्योर होने में काफी टाइम लगता है, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतने कम साइकिल, उतना ज्यादा जो है
जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी देर में वो फ्रूट को हार्वेस्ट कर पाएंगे या उतनी देर में वो सेल को हार्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक कम बैच भी वो पा सकते हैं, जबकि अगर वो उनका मेच्योरिटी ड्यूरेशन कम कर, यानी फ्रूट जल्दी मैच्योर हो जाए या जो सेल्स हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाए, सेल करने के लिए एबल हो जाए, ठीक, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका मेच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो गया, तो आप बार बार उसको क्या कर सकते हो, जल्दी से जल्दी फ्रूट हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो एक तो ये नीड हो गई। कई प्लांट्स में ये भी होता है कि मेच्योरिटी ड्यूरेशन लेट की जाए, जैसे टमाटर, टमाटो में क्या है होता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसका मेच्योरिटी ड्यूरेशन क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आपको मेच्योरिटी ड्यूरेशन क्या चाहिए होता है, लेट चाहिए होता है। तो वो डिमांड के बीच है कि किस चीज का कैसा डिमांड है, मेच्योरिटी ड्यूरेशन जल्दी चाहिए या मेच्योरिटी ड्यूरेशन लेट चाहिए। तो दोनों ही अपने अपने मतलब डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सा है और किसमें जल्दी मैच्योरेशन चाहिए, किसमें लेट मैच्योरेशन चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे बात करें कि प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके हम ये काम भी कर सकते हैं कि मैच्योरिटी ड्यूरेशन क्रॉप की जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फोटो पीरियड की इनसेंसिटिविटी इसको टैकल कर सकते हैं, सिंक्रोनस मैच्योरिटी ये भी चेक कर सकते हैं। अगर हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं चाहिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं चाहिए तो सिंक्रोनस मैच्योरिटी को रोकेंगे। अगर मुझे सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन के क्रॉप में चाहिए कि भाई वो एक सिंगल जॉ लाइन बनी रहे, तो हम सिंक्रोनस मैच्योरिटी को प्रमोट करेंगे, अदरवाइज जो है हम सिंक्रोनस मैच्योरिटी को रोकना चाहेंगे। इसके अलावा डॉर्मेंसी, इसकी डॉर्मेंसी को चेंज कर सकते हैं हम, मॉइस्चर स्ट्रेस सॉइल स्ट्रेस को चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे प्लांट जो है वो सेलाइन कंडीशन में ही ग्रो हो पाते, अगर सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया सॉइल में ही ग्रो कर पाते, तो हम ऐसे प्लांट डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो मॉइस्चर स्ट्रेस को टॉलरेट कर लें, सॉल्ट स्ट्रेस को टॉलरेट कर लें, इसके अलावा बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशन से उनका टॉलरेंस हो, ताकि वो इजिली डिस्ट्रॉय नहीं हो सके। स्पेशली जो फ्लड के टाइम बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो बल जाते, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे ऐसे में, इसके अलावा ड्रॉट टॉलरेंट हो गया, ठीक, तो ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट भी बना सकते हैं, फ्लड टॉलरेंट भी हो गया, ठीक। इस तरह से अलग अलग टॉलरेंट, अधिक पानी है तो उसको टॉलरेंट करने की एबिलिटी हो प्लांट में, पानी बिल्कुल नहीं है यानी सूखा पड़ा है, जीरो फाइटिक कंडीशन है तो जीरो फाइटिक प्लांट जीन लेके और उसको प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया, ताकि वो ड्राई से ड्राई वेदर में भी क्या कर सके, स्टैंड कर सके। उस तरह की वैरायटीज हम डेवलप कर सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन को खेलने के लिए, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे सर्वाइव कर सके, बहुत ज्यादा विंटर वाला कंडीशन है, एकदम चिली फ्रीजिंग कंडीशन है तो विंटर को भी क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेंट करने के लिए भी प्लांट ब्रीडिंग का यूज किया जाता है, ताकि एक बढ़िया वैरायटी डेवलप की जा सके जो किसी भी कंडीशन में फ्लेक्सिबल हो, कोई भी कंडीशन में कहीं भी उसको जो है ग्रो किया जा सके। नॉन सेटरिंग कैरेक्टरिस्टिक होना, नॉन सेटरिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो सीड होते हैं जैसे ही मैच्योर होते हैं तो वो अपने आप क्या होते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, सीड लॉस होता है। स्पेशली दाल की खेती में या फिर सरसों की खेती बोलते हैं, दलहन और तिलहन की खेती जो होती है, ये पल्सेस की और ये ऑयल वाले ग्रेन की, जैसे सीजनल सीड्स हो गए, है ना, मस्टर्ड सीड हो गए। अगर ऐसे में क्या होगा कि इनमें स्कैटरिंग कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो जैसे ही ये मैच्योर होंगी ये स्कैटर होके तुरंत क्या ग्राउंड पे गिर जाएंगे, सॉइल में दब जाएंगे और फिर वापस से ग्रोएंगे, क्या होता है सीड लॉस होती है। और अगर सीड लॉस हुआ तो ऑयल का गेन क्या होगा, मिनिमम होगा, कम हो जाएगा, तो सीड लॉस नहीं हो इसलिए फार्मर्स चाहते हैं कि उनके जो क्रॉप हैं उनके सीड्स में नॉन सैटरिंग कैरेक्टरिस्टिक हो। नॉन सैटरिंग कैरेक्टरिस्टिक होने से क्या होता है कि सीड लंबे टाइम तक प्लांट पे टिके रहते हैं, फिर फार्मर्स उन्हें हार्वेस्ट करते हैं, सीड लॉस कम होता है।
तो इतने सारे बहुत सारे ये लिमिटेड रीजन है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। जो मोस्ट टॉप प्रियोरिटी है प्लांट ब्रीडिंग का वो ये है कि उन्हें क्वान्टिटी वाइज ये ज्यादा हो प्लस क्वालिटी इम्प्रूव सबसे ज्यादा यही। क्वालिटी इम्प्रूव करने की बात जब आती हो तो आप यही देखते हो कटली सैरल ग्रेन्स में कि टेक्सचर अच्छा हो फूल का, एरोमा अच्छा हो, ग्रेन साइज लंबा हो, इसके अलावा भी मतलब आप जब क्रॉप लगा रहे हो खेती कर रहे हो तो डिजीज रेजिस्टेंस हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो, ये सारे क्या होगी क्वालिटी इम्प्रूव, वो सॉल्ट टॉलरेंट हो, वो विंटर से भी टॉलरेंस हो, वो हाई टेम्परेचर से भी टॉलरेंस हो, मॉइस्चर से भी टॉलरेंस हो, ये क्या हुआ कि क्वालिटी भी तो हुई किसी क्रॉप की इतनी अच्छी क्वालिटी है ना। जैसे ड्रोन की क्वालिटी होती है, टीचर्स होते हैं, हम देखते हैं कि वाटर प्रूफ है, काफी खराब नहीं होता, वैसे ही प्लांट की भी इतनी सारी क्वालिटी है जिनको देखा जाता है और प्लांट ब्रीडिंग यूज की जाती है इन्हीं क्वालिटीज को बनाने के लिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव हुए प्लांट ब्रीडिंग। अब हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के सबसे सस्ते सुंदर और टिकाऊ टेक्नोलॉजी के बारे में। ये सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ टेक्नोलॉजी जो है उसको हम बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन इज लाइक कि आपने इंट्रोड्यूस करा दिया है ना। जैसे आप क्या करते हो, सबसे पहले कोई नया दोस्त बनाते हो तो आप जब भी घर ले जाओगे तो अपनी मम्मी पापा से क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करा ये मेरा नया दोस्त है। वैसे ही सबको कई बार ऐसा होता है कि जो साइंटिस्ट है वो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं या दूसरी एरियाज में जा रहे हैं और वहाँ उनको कोई नया प्लांट, कोई नई वैरायटी मिली, कुछ भी बिल्कुल ऐसा नया सा मिला, भाई ये नया है और ये ज्यादा बेहतरीन है बजाय कि जो हमारी कंट्री है। तो वो क्या करेंगे, वो ऐसी कंडीशन में उस प्लांट का जर्म प्लाज्म कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जर्म प्लाज्म बोले तो जहाँ से उनका वो पूरा जेनेटिक जो है सोर्स मटीरियल, जेन मटीरियल मिल जाए, चाहे वो प्लांट का कोई टिश्यू हो या प्लांट का कोई पार्ट हो जो रिप्रोड्यूस किया जा सके वापस से, या फिर उसका सीधा सीधा सीड अगर मिल जाए तो बेहतरीन है, सीड मिल जाए तो बेहतरीन है, या फिर पूरा पूरा प्लांट भी ठीक ये प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं साइंटिस्ट जा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे एक्स वाई जेड गंदा। पहले तो यही होता था, प्लांट इंट्रोडक्शन सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट तरीका था। लोग कहीं भी जाते थे किसी भी कंट्री में घूमने या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में गए तो वो क्या करते थे, वहां से वो प्लांट लेके आते थे और अपनी जगह पर उसको इंट्रोड्यूस करते थे। यही चीज होती है, इसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन में जैसा कि अभी मैंने बताया कि कम्प्लीटली न्यू एनवायरमेंट से आप कोई प्लांट लेके आ रहे हो कहीं पे, बिल्कुल जैसे आपने मैंने बोला कि आपका दोस्त है, आप उसको घर पर मिलवाने लेके आए, ये मेरा दोस्त है, अब से जान लो अगर ये आजू बाजू रहेगा तो समझना ये मेरा दोस्त है। जैसे ही अगर आप कम्प्लीटली नए एनवायरमेंट से कोई नई वैरायटी ढूंढ के लेके आ रहे हो तो ये क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। जनरली ये क्या होता है, अदर कंट्रीज से या अदर कॉन्टिनेंट से आप कोई नई वैरायटी लेके आ रहे हो तो ये प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। प्लांट इंट्रोडक्शन दो तरह के हो सकते हैं, अगर दो कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं, दो कॉन्टिनेंट के बीच में हो रहे हैं तो आप इनको बोलते हो कि ये इंटर प्लांट इंट्रोडक्शन। एक होता है विद इन कंट्री, एक ही कंट्री के बीच में आप नई वैरायटी को इधर से उधर कर रहे हैं तो एक ही कंट्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो इसको बोलते हैं विद इन अ कंट्री। जैसे आप अगर आप देखो तो बहुत सारी वेराइटीज हैं क्रॉप्स की जो बाहर से इंट्रोड्यूस की गई, मैक्सिको से वीट की कई वेराइटीज इंडिया में लेके आई गई, ड्रॉअर वेराइटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये बाहर की कंट्रीज से आए हैं, इंटर कंट्री प्लांट इंट्रोडक्शन। अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी वैरायटी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जाते हैं ग्रो करने के लिए, जो पहले सपोज अगर मैं हिमाचल जैसे एनवायरमेंट से कोई प्लांट उठा के लाती हूँ यूपी में, है ना, और यूपी में वैसा क्लाइमेट नहीं है जैसा हिमाचल में, बिल्कुल ऑपोजिट क्लाइमेट है ना, या हिमाचल से मैं राजस्थान उठा के ले आती हूँ कोई क्रॉप और दोनों में ही क्या है क्लाइमेट में जमीन आसमान का अंतर है। तो अब क्या करोगे, अगर आपको राजस्थान में वो प्लांट लगाना है पहला तो एक्लिमेटाइजेशन होगी कि आप प्लांट को धीरे धीरे एक्लिमेटाइज करोगे ताकि वो उस कंडीशन में सर्वाइव।
अब अगर आपने राजस्थान में उस प्लांट को सर्वाइव करा दिया और उसकी बहुत उसको उसके बहुत सारे वेराइटीज बना के आपने पूरे राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि आपने हिमाचल से उठा के उस प्लांट को इंट्रोड्यूस कराया कहाँ, राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में पहले नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि क्लाइमेट ही वैसे नहीं थे, है ना। जैसे हमारी कंट्रीज में पहले क्या है, बहुत पहले स्ट्रॉबेरी इतने कॉमन नहीं थे या एवोकाडो इतने कॉमन नहीं थे। तो ये क्या किया गया है, ये इंट्रोड्यूस कराया गया दूसरी जगह से लाके एवोकाडो की यहाँ पे खेती शुरू की। अब हमारे लिए एवोकाडो इजीली अवेलेबल, तो ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन है, प्लांट को इंट्रोड्यूस कराया गया है। विद इन अ कंट्री भी हो सकता है और बिटवीन कंट्रीज भी हो सकते हैं, तो दो तरीके का हो सकता है। मैं बात करूँ प्लांट इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन प्लांट इंट्रोडक्शन है, अगर मैं सैरल ग्रीन की बात करूँ तो आपकी बात करूँ, तो सबसे कॉमन जो इंट्रोडक्शन है वो है वीट की। वीट की वेराइटी जैसे सोनारा 53, सोनारा 54, कल्याण सोना, हायो और लर्मा रोजो, बहुत सारी वेराइटीज हैं प्लांट की जो मैक्सिको से इंडिया में इंट्रोड्यूस। और ये सारी वेराइटीज की खूबी क्या है कि ये ड्वार्फ वीट वेराइटीज है। ड्वार्फ वीट वेराइटीज होने से क्या फायदा मिलता है, क्यों आप प्लांट किसी भी सैरल ग्रेन में चाहते हो कि प्लांट जो है, कोई भी सैरल ग्रेन है, वहां पे सबसे डिजायर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्लांट की ड्वार्फनेस। ठीक है, प्लांट ड्वार्फ होना चाहिए, बौना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों से ये होता है, हमें एनिमल मतलब हम ह्यूमन बींग्स में तो हाइट बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, प्लांट में हाइट क्यों नहीं चाहिए, प्लांट छोटा क्यों चाहिए? तो प्लांट छोटा इसलिए चाहिए भाई कि देखो, अगर प्लांट के पास 100 ATPs है, मैं ATPs के टर्म में बोलूँ, 100 ATPs है, यानी आपने जो भी न्यूट्रिएंट दिया उसे, जो भी न्यूट्रिएंट दिया आपने, जो भी आप खाद दे रहे हो, फर्टिलाइजर दे रहे हो, और उस फर्टिलाइजर को यूज करके या उस खाद को यूज करके ये जो भी एनर्जी बना रहा है, अब उस एनर्जी को ये दो तरह से कंज्यूम कर सकता है, या तो हाइट इंक्रीज करे या कर सकता है कि ये ग्रेन का काउंट बढ़ा दे, ग्रेन का काउंट इंक्रीज करे, यानी यील्ड इंक्रीज करे, है ना, यील्ड इंक्रीज करे, जितने ज्यादा काउंट होंगे ग्रेन काउंट होंगे उतने ज्यादा यील्ड होगी। तो ये दो ऑप्शन है उसके पास, जो भी उसको खाद मिल रहा है, पानी मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ये दो ऑप्शन है। अगर वो अपने 100 ATPs में से 70 ATPs हाइट इंक्रीज करने में खर्च कर दे, हाइट बढ़ाने में खर्च कर दे, यानी अब उसके पास ग्रीन यील्ड के लिए कितनी ATPs बची, 30 ATP बचा, है ना, सपोज 30 ATP बचा, यानी आप देख रहे हो कि अगर प्लांट हाइट इंक्रीज करने में ज्यादा एनर्जी चली जा रही है तो ग्रीन की यील्ड पे असर पड़ रहा है, ग्रीन की यील्ड कम ऑब्वियसली ज्यादा हाइट होगी, ज्यादा बायोमास डेवलप करने में ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा सेल्स होंगी, जितने ज्यादा सेल्स होंगे उतना ज्यादा बायोमास है, जितना ज्यादा बायोमास है उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, और जो आप खाद पानी जो भी दे रहे हो वो एनर्जी वहीं पे की हाइट बढ़ाने में लगेगी। अब अगर आपकी प्लांट की वेराइटी ही ड्वार्फ है, यानी ड्वार्फ वेराइटी है, तो अब वो एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर वो जाएगा ही, उस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर उसकी एनर्जी जानी नहीं, अब उसके बाद जितनी एनर्जी बनेगी उसकी वो कहाँ जाएगी, वो एनर्जी जाएगी ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है, ग्रेन प्रोडक्शन में, यानी यील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि ये ड्वार्फनेस जो होता है सैरल ग्रीन का मोस्ट डिजायरेबल ग्रीन कैरेक्टरिस्टिक होता है। लोग चाहते हैं कि जो चावल की वेराइटी हो वो ड्वार्फ हो, जो वीट की वैरायटी हो वो ड्वार्फ हो, क्यों, ये छोटे रहेंगे, हाइट पे बायोमास पे के ग्रोथ पे एनर्जी कम जाएगी, ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी जाएगी वो क्या, उनके नंबर ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन हो जाए, ज्यादा ग्रेन बने, इसलिए ड्वार्फ वैरायटी होती है। और ऐसा जब ऐसे बहुत सारे लोग वो मैक्सिको गए, कुछ अच्छे साइंटिस्ट मैक्सिको गए, वहां उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी है,
और उन्होंने बोला कि ठीक है अब इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं इंडिया में, तो वो वहां से सोनारा और कल्याण सोना ऐसे इस तरह की वेराइटी को लेके इंडिया आए, धर्मा रोजो इनको लेके इंडिया आए और इनको इंट्रोड्यूस किया एज अ न्यू प्लांट वेराइटी जो कि पहले इंडिया में नहीं पाई जाती थी बट अब पाई जा रही है क्योंकि उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, तो बिल्कुल प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है कि कभी जो आपके कॉन्टिनेंट में आपके कंट्री में या आपके स्टेट में पहले कोई प्लांट नहीं पाया जा रहा था बट अब उसको दूसरी जगह से आप लेके आ रहे हो, ये होता है प्लांट इंट्रोडक्शन। हम भी अपने घरों में बहुत बार ऐसा करते हैं, मतलब उसको घर के लेवल पे आप रिलेट करके देख लो कि आपके घर में कोई प्लांट नहीं है और आप कहीं घूमने गए, आप घूमने गए हो और आपने देखा कि भाई यहाँ पे कुछ अलग सा प्लांट है बिल्कुल, है ना, जैसे मैं साउथ इंडिया चली गया या फिर मैं यहाँ पे मेरे यहाँ यूपी में कॉफी नहीं उगाया जा रहा है, कॉफी की खेती नहीं की जा रही और मैं गई साउथ इंडिया वहां से कुछ कॉफी के सीड्स लाई और मैं यहाँ पे कॉफी की खेती करना शुरू कर दूँ, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये एक तरह से प्लांट इंट्रोडक्शन भी तो हुआ कि आप गए वहां से कुछ सीड्स उठा लाए और आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये एक तरह से क्या हुआ, प्लांट इंट्रोडक्शन बहुत कॉमनली करते हैं, सब करते हैं, बट इसको एग्जैक्टली प्लांट इंट्रोडक्शन कब कहते हैं, जब वैरायटी बिल्कुल नई हो और पहले किसी ने नहीं देखी हो। ठीक, क्या प्रोसीजर होता है प्लांट इंट्रोडक्शन का, तो भाई ऐसा ही नहीं होता है कि किसी कंट्री में गए और वहां से उठा, पहले ऐसा था बहुत पहले इसको लेके कोई रूल नहीं बने थे, कोई प्रोसीजर रूल नहीं बना था, तो लोग क्या करते थे कि जैसे टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान गए फॉरेन में, उन्हें कहीं यूकेलिप्टस का प्लांट जो है वो बहुत पसंद आया, उसकी हर्बल वैल्यूज देखी उन्होंने, उसका एरोमा देखा और फिर बोले कि भाई मेडिसिनल वैल्यूज देखे, बोले कि इसको तो होना चाहिए, तो टीपू सुल्तान ने यूकेलिप्टस का प्लांट अपने महल में लगा दिया। तो पहली बार ये क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, इंडिया में यूकेलिप्टस का प्लांट था ही नहीं, लेकिन यूकेलिप्टस के प्लांट के साथ एक दिक्कत थी, ये ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर जो है उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, यानी वाटर रिसोर्स की स्कार्सिटी हो रही है, वाटर का लेवल कम होते जा रहा है इन प्लांट्स की वजह से, ये बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम कर रहा है। उसका मतलब है ये प्लांट ठीक है, हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, बट बहुत ज्यादा ये हार्मफुल भी है, एज वेल एज हार्मफुल, यानी बिना सोचे समझे किसी भी प्लांट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था उस टाइम पे। बट अब क्या है, इसको लेके बहुत सारे रूल्स बन गए, आप जब भी कोई प्लांट बाहर से लेके आओ प्रोक्योर करोगे तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, उसको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है ये चेक करने के लिए कहीं इस प्लांट में कोई खराबी तो नहीं है जो ये पूरे इको सिस्टम का बैलेंस बिगाड़ दे या फिर पूरा का पूरा कोई नया डिजीज स्प्रेड कर दे, इस वजह से इसको लेके बहुत सारे रूल बनाए गए। सबसे पहला स्टेप होता है प्लांट इंट्रोडक्शन में प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि भाई ठीक है आप उठा के ला रहे, ठीक आपको उसकी सीड किसी ने दे दी, आपको ट्यूबर दे दिया, है ना, जैसे पोटैटो ये सारी चीजें ट्यूबर से लगती है ना, टर्मरिक कंद ये सब किसे ट्यूबर से लगते हैं, बहुत सारे प्लांट जिनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्यूबर से ग्रो किए जा सकते हैं, फिर सीड्स किसी ने दे दी आपको, सीड्स लेके आए आप कहीं से, कोई प्लांट का टिश्यू लेके आए या कोई अदर प्लांट पार्ट लेके आए जिसको यूज करके प्लांट टिश्यू कल्चर से आप उस प्लांट को ग्रो कर सकते हो लार में, तो कहीं से भी जर्म प्लाज्म ऑब्टेन करना, मोस्ट कॉमनली सीड लेके आते हैं लोग, सीड के अलावा एक और चीज कि प्लांट पार्ट से भी काम चल जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर करके आप उसको बना सकते हो। प्रोक्योरमेंट करना जरूरी होता है। अब प्रोक्योरमेंट करके लेके आए, मैंने अभी बताया कि पहले कोई बीच में दूसरा तीसरा चौथा पांचवा स्टेप नहीं था, बट अब आ गए हैं क्योंकि हम उनको चेक करते हैं कि भैया जो माल तुम लेके आए हो, जो चीज लेके आए हो वो सही है या नहीं है, उसका इवेल्युएशन होता है सही है कि नहीं, किस बेसिस से होता है भाई, तो देखा जाता है कि कोई डिजीज तो लेके साथ में नहीं आए, कोई पेस्ट साथ में लेके तो नहीं आए, ठीक, तो किसी कोई डिजीज जो पहले आपके कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी बट वो फॉरेन में वो डिजीज एग्जिस्ट करती थी, अब आप फॉरेन से वो प्लांट लेके आ रहे हो, किसी दूसरी कंट्री से वो प्लांट लेके आ रहे हो और अब आपने उसको अपनी कंट्री में भी उस डिजीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना वायरस क्या हुआ फॉरेन से इंडिया में आ, है ना,
तो ये इंट्रोडक्शन हुआ एक नए वायरस का इंडिया में, पहले इंडिया में ये कोरोना वायरस नहीं था। तो वैसे ही हो सकता है वो प्लांट किसी वायरस से पहले से ही क्या हो, इन्फेक्टेड हो, किसी फंगस से पहले से इन्फेक्टेड हो। वो फंगस, वो वायरस पहले इंडिया में नहीं पाया जा रहा, लेकिन आपने नया प्लांट इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में आप गए और प्लांट ले गया और आपने लगाया और धीरे धीरे वो बहुत सारे वो वायरस या वो फंगस बहुत सारे प्लांट में डिजीज हो, तो ये दिक्कत की बात हो जाएगी। तो ऑब्वियसली एक मेथड है, कोरोना के लिए हमने क्या किया था, लोगों को क्वारंटीन करना शुरू किया था। तो बिल्कुल यहाँ पे भी प्लांट को क्या किया जाता है, क्वारंटीन किया जाता है, उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। क्यों आइसोलेशन में रखा जाता है भाई, आइसोलेशन में ये रखा जाता है उसको चेक करते हैं, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कहीं कहीं उसमें कोई पेस्ट तो नहीं आया साथ में, उसमें कोई डिजीज तो नहीं आई है साथ में, कोई वायरस कोई फंगस कुछ तो नहीं आया साथ में जो बाकी क्रॉप के लिए हार्मफुल है। ठीक, उसके साथ ही जब वो प्रोक्योरमेंट करते हो आप, तो स्टेप टू पे पहले होगा कैटलॉग। ठीक है, उससे पहले आप उसको एंट्री नंबर असाइन करोगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करोगे प्रॉपर प्रॉपर कि कहाँ से लाए हो, कैसा दिखता है, क्या उसका जो है टाइप है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या फैमिली से बिलोंग करता है, सारा कुछ जो है सारा डिटेल्स होगा, एंट्री नंबर होगी। जो तीसरा स्टेप होगा जो क्वारंटीन होगा, क्वारंटीन मतलब उसको आइसोलेट, इतना डॉक्यूमेंटेशन कर दिया उसके बाद अब उसको क्वारंटीन रखना है कुछ दिनों के लिए, उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं डिजीज कुछ तो नहीं है इसमें है तो उसका क्या असर होगा। फिर इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएशन मतलब लैब में ही उसको ग्रो करेंगे कुछ टाइम तक और देखेंगे कि भाई अगर लैब में मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ तो कितना वाटर कंज्यूम कर रहा है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, अगर अगर मैंने इसको पॉल्यूटेंट दिया, कोई सॉइल में कोई पॉल्यूटेंट है तो उस पॉल्यूटेंट को रिमेडिएट करने की क्या कैपेसिटी है, या फिर कोई पॉल्यूटेंट एमिट तो नहीं कर रहा है, कोई पॉइजन कोई टॉक्सिन ये सब एमिट, तो ये इवेल्युएशन होता है। ठीक, तो देखा जाता है कि क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं इस प्लांट के और क्या क्या इस प्लांट के हजार्ड हो सकते हैं, यानी उस प्लांट के प्रोस एंड कॉन्स को इवेल्युएट किया जाता है। एक बार अगर वो स्टेप फोर यानी इवेल्युएशन में सक्सीड हो गया, अपने आप को बेनिफिशियल प्रूव कर दिया, तो फिर उसके बाद क्या होता है, उस प्लांट के एप्लीकेशन किया जाता है और फिर कंट्री वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये होता है प्लांट इंट्रोडक्शन का। तो अब हम शुरू करते हैं कि क्यों हम प्लांट इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, क्या बेनिफिट होता है, क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात है भाई, नई चीज देखी तो लेके तो आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियसली हम ह्यूमन बीइंग क्या है, कभी भी कोई नई चीज देखते हैं तो सबसे पहले नई चीज के लिए अट्रैक्टिव है ना, भाई ये तो नया है, ये तो हमने पहले कभी नहीं देखी। तो ऑब्वियसली जब कोई नई चीज देखते हैं, नया क्रॉप देखते हैं, तो अट्रैक्शन होता है और उसको भाई ले आने की जिद तो होती ही होती है, भाई हाँ कोई नई चीज देखी है तो मेरे पास नहीं थी। तो ऑब्वियसली सबसे पहला नया क्रॉप आता है, कोई नया प्लांट आता है, ठीक। उसके अलावा कोई नई वेराइटी ला सकते हो, आप ऐसी वेराइटी जो आपके लिए एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट हो, जैसे अब बेनिफिशियल हो, जैसे मैक्सिको से ड्रॉप वेराइटी लाई गई, टू ड्रॉप वेराइटी लाई गई। आपको अभी मैंने बताया कि ड्रॉप वेराइटी के क्या बेनिफिट हैं, ज्यादा सेरिन ग्रेन्स मिलते हैं और उतनी ही फर्टिलाइजर्स में आप ज्यादा से ज्यादा सेरिन ग्रेन ले सकते हो। अदरवाइज अगर वो लंबे वेराइटी हो, हाइट उनकी लंबी हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो हाइट की उनके बायोमास के इसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट करें, प्लस सेरल ग्रेन बनाने में जो एनर्जी चाहिए उसको भी जिन्हें कंप्लीट करें, फर्टिलाइजर वहाँ पे ज्यादा जाएगा। तो आप कम फर्टिलाइजर में ज्यादा से ज्यादा ग्रेन ले पाओ, तो इसलिए क्या, इसलिए वेराइटीज जरूरी होती है, आप नई वेराइटीज को ढूंढते रहते हैं, है ना। तो नया वेराइटी मिल सकता है आपको, नया क्रॉप प्लांट मिल सकता है, क्रॉप में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जैसे आपने कहीं देखा किसी सॉल्टी कंडीशन में, है ना, जैसे किसी मार्श की कंडीशन में, किसी सॉल्टी कंडीशन में आपको कोई ऐसा प्लांट मिल जा रहा है, जैसे आपको सी साइड पे कोस्टल साइड पे कोई ऐसा प्लांट मिल रहा है जो कि सॉल्ट टॉलरेंट है ना, सॉल्ट टॉलरेंट है, तो आप उसकी जीन्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट डेवलप कर सकते हो, सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटी डेवलप कर सकते हो, या कोई ऑलरेडी ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट हो और आप वहाँ गए और वहाँ पे आपने देखा कि भाई राइस की ये वेराइटी तो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में भी
अब जैसे दूसरी कंट्रीज है वहां आपने देखा कि राइस की कोई वैरायटी है जो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में भी क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन दे रही है और बढ़िया जो है हिल दे रही है। तो आप क्या करोगे, आप उस कंट्री से उस राइस की वैरायटी को प्रोक्योर करने की कोशिश करोगे ताकि हमारी कंट्री में जिन एरियाज में सॉल्टी ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, जिस सॉइल में ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, वहां पे भी राइस ग्रो हो पाए। ठीक, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में भी प्लांट इंट्रोडक्शन को यूज किया जा सकता है। ऐसे ही आप दूसरी कंट्रीज में गए और वहां देखा आपने कि भाई कोई ऐसा क्रॉप है जो कि डिजीज रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी डिजीज रेजिस्टेंस है, तो आप उसको क्या करोगे, वहां से लेके आओगे। ठीक, तो ये आपको डिजीज पेस्ट रेजिस्टेंस या फिर सॉल्ट रेजिस्टेंस करके प्लांट ढूंढा आपने और ढूंढ के आप उसको अपनी कंट्री में लेके आए, तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, नए तरह के क्रॉप से आपने नया क्रॉप ढूंढा, नई वैरायटी ढूंढी, उसके लिए बेनिफिट है। इसके अलावा भाई बहुत सारी चीजें होती है, एस्थेटिक वैल्यू भी देते हैं। जैसा हम कई बार देखते हैं ना कि जापान, चाइना, कोरिया यहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स लगाते हैं रोड पे और हम उनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही क्या होता है कि तो ये क्या बनाते हैं, वो उस कंट्री की एस्थेटिक वैल्यू को बनाते हैं। वैसे ही क्या था कि लेडी हेस्टिंग्स थी, जब हमारे वहाँ ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश राज्य था, तो लेडी हेस्टिंग्स थी जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल की वाइफ थी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल की वाइफ थी। और उन्होंने क्या देखा, वो जब अपने एक टूर पे गए तो अफ्रीका में उन्होंने देखा कि वाटर हाइसिंथ प्लांट है ना, जिनको हम जलकुंभी बोलते हैं, उनके बड़े बड़े पर्पल फ्लावर को देखा, लीव्स को देखा, सुंदर, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत गुड फील हुआ, एंटेंटिंग फील हुआ। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये अभी तो मैं इंडिया जाऊँगी क्योंकि इंडिया में भी होने चाहिए, वहां भी ये अच्छे लगने चाहिए, उसमें ही अच्छे लगने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वहां से उठा के जलकुंभी के पौधे को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, प्लांट इंट्रोड्यूस करने के कुछ रूल नहीं होते थे, कहीं से भी आप प्लांट लेके आओ और उसको लगा सकते थे। अब जब रूल नहीं थे तो उन्हें पता नहीं था कि ये भाई, ये उन्होंने चेक ही नहीं किया कि ये वाटर हाइसिंथ जो है वो पॉन्ड में वाटर यूट्रोफिकेशन कॉज करेगा, ठीक है, यूट्रोफिकेशन कॉज करेगा, तो उनको ये पता ही नहीं था। वो तो बाद में ये वीड की तरह पूरा फैल ही गया, बहुत ज्यादा लोगों को पता लगने लगा कि भाई इसको तो कितना भी काटो ये बार बार उगाता है और ये पूरे तालाब में फैला रहता है, यूट्रोफिकेशन कॉज करता है। तो आज वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी बोले तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। लेकिन वो उस टाइम पे जब इंट्रोड्यूस किया गया तो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उसकी एस्थेटिक वैल्यू थी। तो भाई एस्थेटिक वैल्यू वाले प्लांट को भी क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम दूसरी कंट्रीज से अपनी कंट्री में। ये बात समझ में आए कि प्लांट इंट्रोडक्शन के बेनिफिट्स हैं, ऑब्वियसली न्यू प्लांट, न्यू क्रॉप प्लांट प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे से अच्छी वेराइटीज आप दे सकते हो, जैसे आपने सोनारा 63 सोनारा 64 लर्मा देखा, रोजा देखा, तो ये सारे सुपीरियर वैरायटीज को हम ला के सेलेक्ट करके यहाँ अपने वहां लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जर्म प्लांट कलेक्शन करने का क्या मतलब है, आप जर्म प्लांट कलेक्ट करके उससे बढ़िया साइंटिफिक स्टडीज कर सकते हो, उनका हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो कि किसी और प्लांट से हाइब्रिड कराती है, कौन सी नई वैरायटी बन रही है, बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो साइंटिफिक टर्म में, कि उन बेस्ट वैरायटीज से भी बेस्ट वैरायटीज एक्सप्लोर करने का काम कर सकते हो नए प्लांट से। ठीक, इसके अलावा भाई ये सबसे क्विक मेथड है प्लांट इंट्रोडक्शन, सबसे क्विक मेथड है कि आप कहीं पे अच्छा कोई चीज देख लो उसको तुरंत ले आए अपनी कंट्री में और लगा दो, सबसे क्विक मेथड है। अब किसी में एग्जाम्पल आता है कॉफी बीन्स का, कॉफी बीन्स भी जो है वो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, है ना, कॉफी बीन्स इंडिया के नेटिव नेटिव क्रॉप कॉफी बीन्स इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका क्रेडिट जाता है, ऐसा बोला जाता है, एक स्टोरी बताई जाती थी 17th century के आसपास एक बाबा बुडान नाम के आदमी ने क्या किया, स्मगलिंग की कॉफी, एग्जैक्टली स्मगलिंग क्यों बोल रहे हैं, ये यमन कंट्री है, वेस्ट एशिया में बहुत पुअर कंट्री है, नाउडेज पुअरेस्ट कंट्रीज में से एक है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उनके पास कॉफी बीन्स थी और वो कॉफी बीन्स का एक्सपोर्ट बिल्कुल भी बैन था, मतलब वो सीधा एक पूरा खड़ा होल कॉफी बीन्स किसी को नहीं देते थे, इस वजह से कि वो दूसरी कंट्रीज में कॉफी बीन आ जाए।
तो उन्होंने क्या किया था, बाबा भूटान ने वहां से 7 कॉफी बीन्स, होल कॉफी बीन्स को चुराया था, और चुराने के बाद वो उसको लेके कर्नाटक आए और कर्नाटक में उन्होंने उनका प्लांटेशन, और बहुत बाद में मच लेटर लगभग 18वीं सदी के आसपास क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने उन कॉफी बीन्स को देखा और उन्हें तो भाई बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उसकी पूरी प्रॉपर प्लांटेशन कराई, खेती कराई, जंगलों को साफ कराया, जंगलों को साफ कराते वहां पे प्रॉपर खेती की कॉफी बीन्स की, और फिर उन कॉफी बीन्स को सेल करना इकोनॉमिकली, मतलब एक बिजनेस बना लिया। तो ये थी कहानी कॉफी। कॉफी भी क्या है, प्लांट इंट्रोडक्शन का ही रिजल्ट है कि आज हमारे पास ये कॉफी बीन थी। ठीक, तो कॉफी बीन, वाटर हाइजिन, दो एग्जाम्पल हमने देखे, इंट्रोड्यूस किया गया है लेडी हेस्टिंग्स ने, वाटर हाइजिन ले आया, टीपू सुल्तान ने यूकेलिप्टस ले आया, बाबा भूटान ने क्या ले आया, कॉफी बीन्स को ले आया। तो आज उस टाइम तो खैर कुछ भी नहीं था इसको मॉनिटर करने के लिए, कोई भी ऐसा रूल नहीं था, कोई भी रेगुलेशन नहीं था कि आप प्लांट ले आओगे तो ये एक बार इसको अथॉरिटी नंबर मिलेगा, नंबर असाइन होगा, फिर क्वारंटीन होगी, फिर एवेल्युएशन होगा, फिर आप उसको मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ऐसा कोई स्टेप नहीं था। लेकिन अब ये स्टेप है, और स्टेप को मॉनिटर कौन करता है, तो भाई ये स्टेप को मॉनिटर करने के लिए 3 इंस्टीट्यूट बने हैं। पहला इंस्टीट्यूट है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं NBPGR, ठीक। ये दिल्ली में है और ये डील करता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स से, और जब भी कोई नया जर्म प्लांट इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो सीड हो, चाहे वो ट्यूबर हो, या फिर आपका कोई प्लांट टिश्यू हो, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे उसका एक्सपोर्ट करना हो, इम्पोर्ट करना हो, या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लिकेशन निकालिएशन के लिए उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून FRI भी इसको रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है। तीसरा इंस्टीट्यूट जो है वो कोलकाता में है, इसको बोलते हैं BSI, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। ये भी ये मेडिसिनल प्लांट से, बेसिकली मेडिसिनल प्लांट से डील करता है। तो अगर मेडिसिनल प्लांट्स है, बोटेनिकल प्लांट्स है, तो BSI डील कर रहा है आपका, फॉरेस्ट के ट्रीज है तो FRI डील कर रहा है, और अगर एग्रीकल्चर क्रॉप्स है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, कुछ इकोनॉमिकल बैंक रखते हैं, तो फिर वो NBPGR डील करेगा उनके इंट्रोडक्शन को, उनके इवेल्युएशन की ओर, उनके क्वारंटाइन को, सारे स्टेप्स को NBPGR डील करेगा, अगर वो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, ठीक। उसके बाद डीमेरिट्स पे बात करते हैं। अभी तक हमने मेरिट्स पे बात किया कि नई वैरायटी मिल जाता है, नया क्रॉप प्लांट मिल जाता है, आप डिजीज रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस किसी भी तरह के नए इम्प्रूव क्वालिटी को इंट्रोड्यूस कर, ठीक, ये चीजें देखा, एस्थेटिक वैल्यू मिलती है। डीमेरिट्स क्या, डीमेरिट्स भाई कई सारे केस हैं, जैसे इंसेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, नए इंसेक्ट जो पहले नहीं थे, वैसे इंसेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे पोटैटो की एक नई वैरायटी लेके आई गई थी इंडिया, और जब ये पोटैटो की नई वैरायटी इंडिया लेके आई गई 1900 इटली से है ना, इटली से उठा के लिया गया था 1900 में, तो उसके साथ साथ एक मौत आया था, एक मौत आया पोटैटो, वो था पोटैटो ट्यूबर मौत। जब हम पोटैटो की ट्यूबर्स लेके आए थे, वहां से एक्सपोर्ट करके लेके आए थे, तो ये मौत का इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में सबसे पहले 1906 के आसपास, तो ये फिर स्प्रेड हो गया। ऐसे ही वूली एफिड का इंट्रोडक्शन हुआ, फ्लोटेड स्केल्स का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी नए इंसेक्ट, नए पेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए थे साथ साथ। इसीलिए अब क्या किया जा रहा है, एजेंसी बनाई गई है जो इनके इनको क्वारंटीन करें, इनको इवेलुएट करें, इनको मॉनिटर करें, इनके डिस्ट्रीब्यूशन पे नजर रखें, ठीक है, ऑब्जर्वेशन दे, तब जाके इनको डिस्ट्रीब्यूट होने दे, ठीक। तो ये पहले इंसिडेंट हो चुके हैं हिस्ट्री में, उन्हीं से सीख लेके अब इनके लिए स्टेप बनाया गया है कि भाई सीधे कुछ फॉरन से लाके इंट्रोड्यूस नहीं कर देना है, पहले उसको लैब में रख के चेक करना है कि भाई इसका क्या हार्म है, क्या बेनिफिट है, प्रॉस एंड कॉन दोनों देखने हैं, प्रॉस ज्यादा होगा तो इंट्रोड्यूस कर, मतलब
बेनिफिट ज्यादा हुए तो यूज करेंगे, वरना जय राम जी। ठीक, ऑर्नामेंटल जो है वो वीड्स में टर्न हुए। इसका एग्जांपल अभी अभी हमने देखा कि लेडी हाइकिंग क्या लेके आई थी, वाटर हाइकिंग लेके आई थी। और जो वाटर हाइकिंग की लेके आई थी भैया, वो तो डिजास्टर हो गया, वो तो पॉन्ड्स में यूट्रोफिकेशन कॉज करने लगा। देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन यूट्रोफिकेशन कॉज कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही लैंटाना कैमरा के साथ भी है। इसके अलावा यूकेलिप्टस की मैंने आपको स्टोरी बताई कि टीपू सुल्तान सबसे पहले इसको लेके आए थे, और जब ये ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, यूकेलिप्टस की ट्रीज ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, और इसको उन्होंने अपने महल के चारों ओर, अपने पैलेस के चारों ओर गार्डन में लगाया। और कितने प्लांट लेके आए थे, 16 अलग अलग स्पीशीज लेके आए थे। यूकेलिप्टस की 16 अलग अलग स्पीशीज लेके आया, उसको महल के चारों ओर लगाया। लेकिन आज जब हम देखते हैं, आज जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये चीज देखी गई है कि यूकेलिप्टस आप जहां भी लगाओगे वहां का ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो जाता है। ठीक, सॉइल मतलब वहां से वाटर जो है वो डिप्लीट हो जाता है, यानी ये हमारे क्या कर रहा है, हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को बिगाड़ता है ना, वाटर लेवल को क्या कर रहा है, डिप्लीट कर। ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ, अदरवाइज इसके बेनिफिट हैं, अभी भी स्टिल हैं, इनके टैक्टिक है, ये परफ्यूम बनाने में यूज होता है, हर्बल क्वालिटीज हैं इसके, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन सिर्फ आपकी ये ग्राउंड वाटर को लो कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई प्लांट इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही चेक कर रहे हैं आप। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे ब्रीड्स इंट्रोड्यूस हुए, वाटर हाइजीन तो उनमें से एक है, जैसे पॉपी, प्रिकली पॉपी, वॉटर हाइजीन, कैनवी ग्रास, ये सारे ब्रीड्स पहले इंडिया में नहीं थी, ये इंट्रोड्यूस हुई है ना, किसी वजह से इनको ले आया गया और आज ये पूरी ही जगह ब्रीड के फॉर्म में इंट्रोड्यूस है। इसके अलावा डिजीज आया है, अभी हमने बात की पोटैटो के साथ मॉथ आया है, मॉथ साथ साथ आ गया, ऐसे ही लेट ब्लाइट डिजीज, पोटैटो, प्लांट स्मार्ट ऑफ ब्रीड, ये भी इंट्रोड्यूस हो गया, पॉपी रस, ये भी जो है वो इंडिया में आया कॉफी के साथ साथ। तो ये जो होते हैं डिमेरिट्स होते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के। वाटर हाइजीन का तो आपको ये चीज पता ही चल गया कि ये ब्राजील से आया है, और ब्राजील से कौन लेके आया था, लेडी हेस्टिंग्स लेके आई थी इनको। इतने सुंदर से दिखने वाले फ्लावर हैं लेकिन ये यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं। तो अब जो है क्वारंटीन करने का लॉ जो है वो बहुत सख्त हो गया है प्लांट के लिए, बहुत ज्यादा सख्ती से इसको जो है इसका पालन किया जाता है। एजेंसीज भी मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से एजेंसीज जो है वो इसको गार्ड करते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन कैसे होगा, कब होगा, किस पैरामीटर से होगा। ठीक, तो इसके साथ आज का जो है ये वीडियो खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम देखेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए जो क्रॉस पॉलिनेशन है या सेल्फ पॉलिनेशन है वो कितने तरीके से होते हैं और क्या इम्पोर्टेंस होता है क्रॉस पॉलिनेशन का प्लांट ब्रीडिंग में। आज अभी तक हम अप्लाइड बायोलॉजी यूनिट 12 में सेक्शन एफ कवर कर रहे हूँ। सेक्शन एफ है इज ऑल अबाउट प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल। और सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग में हमें ब्रीडिंग करानी है। तो ब्रीडिंग कराने के लिए जानते हम कि भाई दो बेटर क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के पेरेंट्स होने चाहिए, ताकि दोनों के बेस्ट जीन कंबाइन होके एक बेटर ऑफस्प्रिंग बनाए, बेटर वैरायटी बनाए। ठीक, तो दो पेरेंट्स हैं और भाई उनसे बेटर ऑफ स्प्रिंग लेने के लिए हमको क्या कराना होगा, उनके बीच में मैटिंग करानी होगी। और हम जानते हैं मैटिंग कराने के लिए हमें चाहिए, अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो हमें पॉलन चाहिए और एग्सिंग है ना, पॉलन और एग्सिंग। अब यहीं से सारा गेम शुरू है ना। आप जानते हो कि प्लांट जो है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, स्पेशली एंजियोस्पर्म्स में हम जानते हैं कि फ्लावर्स होते हैं पॉलन है, एग है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होंगे उनके पास क्या है, उनके पास एग भी है और उनके पास पॉलन भी है ना, दोनों है, परफेक्ट फ्लावर।
अब ऐसे में जो परफेक्ट फ्लावर होते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें एबिलिटी आ जाती है सेल्फ पॉलिनेशन, इसकी एबिलिटी आती है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की एबिलिटी आती है, दूसरी एबिलिटी आती है किसकी, क्रॉस पॉलिनेशन की, दूसरे प्लांट से भी, दूसरे वैरायटी के प्लांट से भी पॉलिनेशन होती है। पहले हम समझते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्या क्या टर्म यूज होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या टर्म यूज होते हैं, ये समझने के बाद हम समझेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों का इफेक्ट क्या आता है ब्रीडिंग। इफेक्ट ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही जो है वो सीड बनती है। कभी कभी किसी किसी प्लांट में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जैसे उसका कोई पार्ट कट करके हमने कहीं किसी सॉइल में दबा दिया तो वो वापस एक नया प्लांट बन जाता है। जिसमें अगर बात करूँ पोटैटो की, पोटैटो का जो ट्यूबर होता है उसमें हमें कोई पॉलिनेशन नहीं कराना, कोई वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं कराना, सीधा सीधा हम क्या करते हैं पोटैटो के ट्यूबर को कट करके हम सॉइल के अंदर दबा देते हैं और वो ट्यूबर्स जो है वापस से नया प्लांट बनाता है। तो वो एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ज्यादा होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हमें मालूम है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें या तो सिर्फ एंथर होता है, उसमें सिर्फ ओव्यूल होता है, और कुछ जो परफेक्ट प्लांट्स होते हैं उनमें एंथर और ओवरी ओव्यूल दोनों होते हैं। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, स्टामेन, स्टामेन किसको बोलते हैं, जो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। इस पार्ट को एंथर बोलते हैं और इस पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं। एंथर को जो होल्ड करता है उसको फिलामेंट। इस एंथर के अंदर अगर जब हम कट करते हैं तो बहुत सारे पॉलन मिलते हैं, ठीक। यही पॉलन जो होते हैं डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स होके पॉलिनेशन, यही पॉलन जो है वो दूसरी दूसरी जगह से मतलब दूसरे स्टार में जाएंगे या सेम फ्लावर में जाएंगे, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं। स्टिग्मा थोड़ा क्या होता है, चिपचिपा सा होता है, वहां जाके चिपक जाते हैं। उसके बाद ये पॉलन अंदर जाते हैं स्टिग्मा के रास्ते और स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए जाते हैं। तो ये पॉलन जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होके उसके बाद जो है ये स्पर्म रिलीज करते हैं। स्पर्म रिलीज होने के बाद यहाँ पे जो अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी होती है, वहां फर्टिलाइज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर सीड मैच्योरेशन होने के बाद सीड बनता है। सीड डोरमेंट कंडीशन में रहता है, सीड डोरमेंट कंडीशन में रहता है। मोस्टली क्रॉप्स में हमें जो चाहिए होता है वो चाहिए होती है सीड, जैसे सेरल ग्रेन के लिए सीड चाहिए। अब ये सीड की वैरायटी जितनी बढ़िया होगी, मोस्टली जो हम सेरल ग्रेन खाते हैं, फलफ्रूट खाते हैं, वो सारे क्या है, सीड ही तो है। सीड की क्वालिटी बेटर हो, कब बेटर होगी, जब पॉलन बेटर होगा, जब ओव्यूल बेटर होगा, जब उनके जीन आपस में सब दोनों पेरेंट बेटर होंगे, तब तो उनका ऑफस्प्रिंग और भी ज्यादा बेटर होगा, और भी ज्यादा बनेगा। तो और जब ऑफस्प्रिंग बढ़िया होगा तो ऑब्वियसली सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी रही होगी, तभी तो ऑफस्प्रिंग अच्छा होगा। अच्छा, उसमें से कुछ सीड जो होंगे हम रख सकते हैं कि नेक्स्ट साइकिल में जब हम प्लांट ग्रो करेंगे तो वो सीड काम आएंगे, और कुछ सीड जो जाएंगे वो इकोनॉमिक पर्पस से जाएंगे, यानी सेल होंगे मार्केट में एज अ ग्रेन, चाहे दाल बिक रही हो, चाहे वो तिल बिक रहा हो, सोयाबीन बिक रहा हो, या फिर चावल बिक रहे हो, तो वो सारे सीड जाएंगे आपके मार्केट में एज अ फूड। बाकी के सीड उस सीड रख दिए जाएंगे ताकि नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट आए उन सीड से वो और बेटर प्लांट हो। ये तो होता है इनका पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यही होना होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए और एक हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन हो। मतलब आप समझते हो, और भी बता देंगे सभी, लेकिन पॉलिनेशन के लिए चाहिए होते हैं हमें कुछ एजेंट या कुछ वेक्टर। यूजुअली अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात, सेल्फ पॉलिनेशन में तो हमें कोई भी वेक्टर की जरूरत नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन तो खुद से हो सकता है एक फ्लावर के बीच में। लेकिन अगर मुझे क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो जरूरी है कि मेरे पास क्या हो, कोई इंसेक्ट हो जो
पोलन को एक एक फ्लैग से उठा के दूसरे फ्लैग के स्टिग्मा तक लेके जाए, या दूसरा साधन हो सकता है रेन, ठीक। तो हवा हो सकती है, हवा भी आपका एक नेचुरल एजेंट है जो कि क्या कराता है, पॉलिनेशन कराता है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इतना डिटेल में जानने की जरूरत है। अब देखो कुछ टर्म जो हम यूजुअली सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, क्रॉप फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उनके लिए कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि अगर एक फ्लावर का पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपकता है और उसको फर्टिलाइज करता है, तो ऐसे में इसको बोले हम यूजुअली बोल देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और इसके लिए जो जार्गन है या जो टर्म है स्पेसिफिकली साइंटिफिक टर्म जो है उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी, बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन जो साइंटिफिक टर्म है वो है ऑटोगैमी। क्या है ऑटोगैमी, मतलब खुद से ही खुद को फर्टिलाइज कर, ठीक। ये हो गया ऑटोगैमी, एक ही फूल के सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है उसको बोलेंगे ऑटोगैमी, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि उसी प्लांट का एक फ्लावर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जो है पॉलन पास कर रहा है, बाई हवा चल रही है उसके थ्रू कर रहा हो या फिर कोई इंसेक्ट हो उसके थ्रू हो रहा हो, लेकिन वो तो वही रहा है। अब मान लो कि यहाँ पे अगर इस फ्लावर के पास होमोजाइगस एलील, ठीक, और ये तो ये होमोजाइगस ही रहेंगे, तो ये मैटिंग कैसी रहेगी, दोनों की होमोजाइगस ही रहेगी, तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, ऑफस्प्रिंग में कोई चेंज होंगे, स्मॉल ए दोनों कंडीशन में है कोई चेंज होगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन में कोई चेंज नहीं होती है, कोई नई वैरायटी नहीं बनती, कोई नया वैरायटी नहीं बनेगा सेल्फ पॉलिनेशन में। अगर भाई सेम दोनों ही पेरेंट सेम जीनोटाइप के, तो ऑफस्प्रिंग भी क्या होगा, सेम ही जीनोटाइप का होगा, ठीक, कोई डिफरेंस तो आ नहीं रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन में ये होता है। अच्छा अब देखो दूसरा भी जो है वो सेल्फ पॉलिनेटर ही है। अब इसमें क्या है कि एक ही प्लांट है, इसी प्लांट का ए फ्लावर और इसी प्लांट का बी, ठीक। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्लांट में दो फ्लावर हैं तो दोनों के पास अलग अलग जीनोटाइप होगा, नहीं ना, एक ही प्लांट के सारे फ्लावर पे सेम जीनोटाइप होगा, हम जानते हैं। तो इसके पास भी ए ए है और इसके पास भी ए ए है, अब ठीक, अब दोनों में फिर से पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, मैटिंग हुई। अब जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा बनेगा, सेम जीनोटाइप का बनेगा, कोई वेरिएशन नहीं, यानी कि जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वेरिएशन के चांसेस क्या हैं, नल है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, पेरेंट्स का जीनोटाइप सेम है, तो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप भी ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट क्या सेम ही होगा। तो लेकिन 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 देखो है दोनों सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में एक को ऑटोगैमी बोल रहे हैं जब सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का जो दूसरा टाइप है उसमें क्या हो रहा है, एक ही प्लांट के एक ही पौधे का एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक रहा है, जबकि जीनोटाइप दोनों का सेम है, जीनोटाइप याद रखना दोनों का सेम है, लेकिन एक ही प्लांट पे एक का पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक रहा है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं नेटोगैमी, ठीक, नेटोनोगैमी। ये हो गया, ये भी है सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप। अब क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप जो है इसको बोलते हैं हम जीनोगैमी। एक सपोज कर लो इनकेस अगर इसका क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ये हेटरोजाइगस कंडीशन में है, जीनोटाइप हेटरोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल ए स्मॉल ए, और सपोज कर लो इसका जो है कैपिटल ए, ठीक, सपोज कर। अब क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन में चांसेस होंगे कि बहुत सारे वेरिएशन आ जाए, ऑफस्प्रिंग में अलग अलग तरह के वेरिएशन ऑब्वियसली आएंगे, एक कैपिटल ए के दो बन जाएंगे और स्मॉल ए कैपिटल ए के दो बन जाएंगे, है ना। तो आप देख रहे हो कि दो तरह के वेरिएशन आ रहे हैं, एक कम्प्लीटली मदर की तरह हो रहा है, एक कम्प्लीटली फादर की तरह, जो कि मतलब अपने ही पेरेंट्स की
लेकिन फिर भी अब बाद में टेस्ट क्रॉस कर सकते हो जो भी करोगे। अगर आप टेस्ट क्रॉस कर रहे हो, बैक क्रॉस कर रहे हो, तो आपको नई तरह के वैरायटी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं और दोनों का सेम जीनोटाइप है, तो हर बार आपको ऑफस्प्रिंग में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ये डिसएडवांटेजेस होते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में बार बार हो रहे हैं, तो आपका क्या है, वो है, जो है सेम जीनोटाइप मेंटेन रहता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। वेरिएशन नहीं आने का मतलब क्या है कि नई वेराइटीज बनेंगी नहीं, और ये तो ड्रॉबैक है। क्योंकि जब हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं, जब हम क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो हमें चाहिए होते हैं वेरिएशन, वेराइटीज, इम्प्रूव वेराइटीज की सोच करते हैं, इम्प्रूव वेराइटीज के लिए बनाते हैं। इम्प्रूव वेराइटीज कब मिलेगी, जब ज्यादा से ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमेशा जेनेटिक डाइवर्सिटी मिनिमम होगी, सबसे कम होगी। अब सेल्फिंग को प्रमोट करने वाले कंडीशन कौन कौन से होते हैं भाई, कैसे सेल्फिंग प्रमोट होती है, कैसे सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होता है, ऑटोग्रेमी कैसे प्रमोट होती है? तो भाई देखो, ऑटोग्रेमी प्रमोट करने के लिए कई सारे जो प्लांट होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उन्हें ऐसा स्ट्रक्चर ही मैनेज होता है। जैसे एक केस होता है क्लिस्टोगैमी का। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है बच्चों, कि जो आपका फ्लावर होता है वो क्लोज होता है, यानी फ्लावर क्लोज कंडीशन में होगा, उसी के अंदर जो है स्टैमन होगा, स्टैमन, और उसी के अंदर स्टिग्मा स्टाइल वाला ये पूरा पोर्शन सब क्लोज होगा। यानी अब बाहर से कोई पॉलन आए तो वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, कवर्ड है ना, ये ऊपरी लेयर कवर्ड है। अब बाहर से कोई पॉलन आए तो वो उसके स्टिग्मा पे टच नहीं हो सकता, अटैच नहीं हो सकता। तो यानी कि इस तरह के अरेंजमेंट में जब फ्लावर पूरा बंद रहता है, फ्लावर जो है पूरा बंद रहता है, यानी बाहर से कोई भी पॉलन आके उसको क्रॉस पॉलिनेट नहीं कर सकता, बाहर से कोई भी पॉलन क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर सकता आके। जो भी पॉलिनेशन होगा उसी फ्लावर के अपने एंटर से निकले हुए पॉलन से होगा, अदरवाइज बाहर से कोई पॉलन आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई इनने अपना प्रोटेक्शन कर रखा है, एंटर और एंटर को और अपने टाई को कवर करके रखा है ना, तो कोई बाहर से आ ही नहीं सकता। इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्लेस्टोगैमी, क्लोज मैरिज या हिडन मैरिज कुछ भी बोलते हैं, कि एक कमरे में बंद है ना, आपका एंथर या पॉलन और ओव्यू एक कंपार्टमेंट में क्लोज है, बाहर से कोई नहीं सकता, जिसको हिडन मैरिज, क्लोज मैरिज या क्लेस्टोगैमी। दूसरा अरेंजमेंट होता है, इसमें होता है होमोगैमी में क्या होता है कि सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। तो बहुत सारे जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, प्लांट जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसमें ऐसा अरेंजमेंट होता है कि एंथर पहले मैच्योर हो गया और ओवरी बाद में मैच्योर हो रही है। यानी अगर एंथर मैच्योर भी है तो ओवरी मैच्योर नहीं है। तो अब अगर एंथर गिरा भी ओवरी में, पॉलन गिरा भी ओवरी में, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओवरी मैच्योर नहीं है। तो ये होता है कि ये ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। होमोगैमी का जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, सेम टाइम पे एंथर और सेम टाइम पे जो है ओवरी मैच्योर, मतलब पॉलन का मैच्योरेशन और ओवरी का मैच्योरेशन सेम टाइम पे होता है। जब एक ही टाइम पे दोनों मैच्योर हो रहे होते हैं, ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रमोट कर। यानी होमोगैमी में क्या होता है, सेम टाइम पे दोनों ही मैच्योर हो रहे हैं, एंथर भी मैच्योर हो रहा है सेम टाइम पे, जो है आपका ओवरी भी मैच्योर हो रहा है, तो ये जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी दोनों सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करेंगे या सेल्फ पॉलिनेशन को। तो क्या मतलब क्या बनता है सेल्फिंग करने का, क्या जो है अब इसका फायदा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन का? एक फायदा ये है कि अगर आपको कोई बहुत बढ़िया वैरायटी मिल गई है ना, कोई बढ़िया वैरायटी मिल गई है और आप चाहते हो कि उस वैरायटी में कोई चेंज ना आए, हमेशा वो वैसा ही रहे, तो आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपके पेरेंट्स हमेशा सेम जीनोटाइप के रहेंगे, स्मॉल ए
और उससे जो ऑफर स्प्रिंग आएगा वो भी स्मॉल है, स्मॉल है, कोई चेंज नहीं देगा। यानी आप इससे डेवलप कर सकते हो प्योर लाइन, प्योर लाइन डेवलप कर सकते हो। दूसरा, हमेशा होमोजाइगोसिटी मेंटेन रहती है उसमें, होमोजाइगस कंडीशन मेंटेन रहा। कैसे मेंटेन रहा? आपने कैपिटल ए, कैपिटल ए का अगर जीनोटाइप लिया तो भी ये क्या करेगा, कैपिटल ए लिया तो ऑफस्प्रिंग कैपिटल ए है, यानी होमोजाइगोसिटी मेंटेन हो रही है जब भी हम सेल्फिंग कर रहे हैं या सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। इन केस ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन, है ना, हेटरोजाइगस कंडीशन में क्या है, अगर आप पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हो तो वो तो भी होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, देखो ये है आपका हेटरोजाइगस कंडीशन। अब आप देखें ये आपके हेटरोजाइगस कंडीशन है। अब आप देखो पॉलिनेशन के बाद होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती रहेगी आपके, लगभग 8-10 जनरेशन के बाद ऐसा आएगा कि आपको पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होमोजाइगोसिटी दिखेगी। अब यहाँ पे आपको रेशियो दिखा 1:2:1, ठीक है। अब इसमें दो होमोजाइगस हो, है ना, दो होमोजाइगस हो गए और दो हेटरोजाइगस। लेकिन अब अगर यही चीज आप बार बार सेल्फिंग को रिपीट करते रहे एक पॉपुलेशन के अंदर, बार बार ये सेल्फ पॉलिनेशन करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आता है 8-10 जनरेशन तक करने के बाद, 8-10 जनरेशन अगर आप पॉलिनेशन रिपीट कर रहे हो, सेल्फ पॉलिनेशन रिपीट कर रहे हो, तो क्या होता है उस पॉपुलेशन में लगभग 70-80% पॉपुलेशन जो होगी वो कैसी होगी, होमोजाइगस होती है। होमोजाइगस मतलब कैसी होगी, कैपिटल ए होगी या स्मॉल ए होगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन होमोजाइगस होती है। तो इसका इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन 8-10 जनरेशन लगातार करने से, कि सपोज इस एलील के पास अगर कोई बढ़िया अच्छी जीन रही हो, अच्छी क्वालिटी का जीन रहा हो, और अब क्या हो रहा है कि बार बार या इस कैपिटल ए के पास कोई बहुत बेहतरीन क्वालिटी रही हो, बहुत बेहतरीन जीन रहा हो, अब मैं इसको 8-10 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन होने दे रही हूँ, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो एक टाइम बाद क्या होगा, इन दोनों के पास कुछ ना कुछ अच्छे ट्रेट हैं, कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी है। जब ये हेटरोजाइगस कंडीशन में है तो कंबाइनली कैपिटल ए अपना अच्छा क्वालिटी दे रहा है, स्मॉल ए अपनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है, और एक बेटर आपके पास जो है वो प्लांट वेराइटी है। लेकिन 8-10 जनरेशन तक आपने लगातार सेल्फिंग की, और अब इसके बाद क्या होगा, पॉपुलेशन में कैपिटल ए और स्मॉल ए ज्यादा हो गए, यानी कि अब इस वाले प्लांट वैरायटी में स्मॉल ए की स्पेशलिटी खत्म हो गई, यानी वैरायटी में सिर्फ कैपिटल ए वाली क्वालिटी है, स्मॉल ए वाली क्वालिटी तो खत्म हो गई, और यहाँ पे कैपिटल ए की जो क्वालिटी थी वो खत्म हो गई। सपोज कि यहाँ पे ये ए दे रहा था डिजीज रेजिस्टेंट दे रहा था, और ये जो बी था ये स्मॉल ए जो है वो हाई यील्ड दे रहा था, ठीक है, हायर यील्ड दे रहा था। अब क्या है कि अब ये वाले जो क्रॉप्स थे, दोनों पेरेंट क्रॉप, अब इनके पास डिजीज रेजिस्टेंस भी है और हायर यील्ड भी है, अब इसमें भी डिजीज रेजिस्टेंस भी है और हायर यील्ड भी है। अब मैंने 8-10 जनरेशन तक लगातार सेल्फिंग कराई, और फिर उसके बाद जो मुझे पॉपुलेशन मिला, उस पॉपुलेशन में मुझे मैक्सिमम क्या मिल रहा है, कैपिटल ए और स्मॉल ए मिल रहा है। अब मैंने देखा कैपिटल ए के पास क्या क्वालिटी है, डिजीज रेजिस्टेंस, तो अब मुझे जो प्लांट मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ डिजीज रेजिस्टेंस, उसके पास हायर यील्ड वाली क्वालिटी क्या हो गई, वैनिश हो गई, खत्म हो गई, ठीक। ऐसे ही अगर मैं स्मॉल ए की क्वालिटी चेक करूँ तो ये हायर यील्ड वाली थी, तो अब ये हायर यील्ड तो दे रही है, स्मॉल ए हायर यील्ड तो दे रही है, लेकिन अब इसके पास डिजीज रेजिस्टेंस वाली क्वालिटी क्या हो गई, वैनिश हो गई, खत्म हो गई, खल्लास समाप्त हो गई। यानी आप देख रहे हो कि जब हाइब्रिड बन रहे हैं, हेटरोजाइगस कंडीशन आ रही है,
कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये ज्यादा वेरिएशन दे रहा है, ज्यादा तरह के आप कैरेक्टरिस्टिक ला सकते हो, वेरिएशन ला सकते हो। लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में वेरिएशन लिमिटेड हो जाते हैं। तो यही लिखा है कि लीड टू कंप्लीट होमोजाइगोसिटी, जिसका हम यूज कर सकते हैं प्योर लाइन, जब भी हमें प्योर लाइन की जरूरत हो तो हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, सेल्फिंग करवा सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं। ठीक। दूसरा, डोमिनेंट एलील कैन मास्क डिलीटोरियस रेसेसिव एलील इन हेटेरोजाइगस डिप्लॉयड, जो मैंने अभी बात बोली आपको, ये वाली कंडीशन यही दिखी हुई है यहाँ पे। रिजल्ट इन सेग्रीगेशन ऑफ लीथल और सबलीथल टाइप्स ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव एलील। कई बार ऐसा होता है कि जब होमोजाइगस इस तरह का क्रॉस कराते हैं जो इस कंडीशन में लीथल नहीं है, लेकिन अगर ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन आ जाएगा तो लीथल होगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब बार बार हम सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं 8-10 जनरेशन तक, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन में क्या डेवलप होगा, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन, क्योंकि लीथल होगा, है ना। या इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करेगा, आगे जाके इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ेंगे। बट अभी ये जान लो कि ये क्या है, एक निगेटिव ट्रेड है और ये अच्छा नहीं है। इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या है, अगर आपको प्योर लाइन बनानी है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज गुड, अदरवाइज ये आपको वेराइटीज नहीं देगा। दूसरी चीज कि ये बहुत सारे गुड कैरेक्टर्स को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है या हाइड कर सकता है। ठीक, वो डिलीट कर सकता है अगर हम लॉन्ग टाइम तक, कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहे। ठीक, लीथल होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इसलिए जो है सेल्फ पॉलिनेशन उतना बेटर नहीं माना जाता है प्लांट ब्रीडिंग के लिए। और हम प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं, जो प्लांट ब्रीडिंग कर रहे होते हैं, वो प्रेफर करते हैं आउट क्रॉसिंग या क्रॉस पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीनोगैमी से फायदा क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो मैंने यही बोला यहाँ पे कि बार बार अगर मैं 8-10 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन करा रही हूँ, तो हो सकता है कि डोमिनेंट एलील्स जो होते हैं वो डिलीटेरियस रेसेसिव एलील्स को मास्क कर दे। दूसरी चीज कि वीगर जो होता है वो कम हो जाता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा कोई पॉजिटिव ट्रेड जो है वो हाइड हो सकता है, जैसे ये वाली कंडीशन मैंने बताया था, कैपिटल ए के पास डिजीज रेजिस्टेंट है और स्मॉल ए के पास हाई यील्ड है, और दोनों मिलके एक अच्छी वैरायटी कैपिटल ए स्मॉल ए दे रहे हैं। ठीक, तो दोनों क्वालिटी यहाँ पे है कि ये डिजीज रेजिस्टेंट भी है और कैसा है, ये हायर यील्ड वाला भी है। जब मैंने इसको कई बार पॉलिनेशन कराया तो ये क्वालिटी क्या हुई, हाइब्रिड वाली क्वालिटी क्या हुई, मास्क हो गई। तो ये क्या हुआ, एक तरह का क्वालिटी में डिटोरियोरेशन है ना। तो ये सेल्फिंग की वजह से होता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को आउटक्रॉसिंग में अवॉइड होता है। यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज को आप क्रॉस पॉलिनेट करके बहुत सारे हाइब्रिड बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो आउटक्रॉसिंग इज लाइक ब्लेसिंग फॉर प्लांट ब्रीडर, मतलब ब्लेसिंग ही है अलग तरीके का। यहाँ पे आप जानते हो ये दो, अगर दो प्लांट्स हैं दो तरह के, तो मैं इनसे एक नया तरीके का हाइब्रिड बना सकती हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसमें दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, है ना। ऐसे ही जो है आप बहुत अलग अलग वैरायटीज की चीजें लेके उनमें क्रॉस पॉलिनेशन करा के एक नई वैरायटी बना सकते हो। तो हमेशा ये आउट क्रॉसिंग एनकरेज करेगा वेरिएशन, ठीक है। और ये आउटक्रॉसिंग होगा किस तरह के मैटिंग सिस्टम में होगा, यूजुअली ये होता है, एक तो मोनोशियस प्लांट, इम्परफेक्ट प्लांट जिनमें या तो सिग्मा स्काई, यानी सिर्फ ओव्यूल हो या सिर्फ स्टैमेन हो, सिर्फ ओव्यूल हो या सिर्फ स्टैमेन हो, तो उस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा से ज्यादा होता है। यानी कैसा हो, या तो सिर्फ कोई फीमेल फ्लावर हो, है ना, फीमेल फ्लावर हो, उस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। या फिर क्या हो, या कोई मेल फ्लावर हो, तब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अच्छा, एक और कंडीशन आती है,
प्रोटो एंड्री की है ना, यहाँ पे लिखा है प्रोटो एंड्री, प्रोटो एंड्री। तो प्रोटो वर्ड से मतलब क्या है, पहले, फर्स्ट, और एंड्रस मीन्स क्या है, मेल है ना, एंड्रस वर्ड यूज किया जाता है मेल पार्ट से। तो अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटो एंड्री। मतलब अब यहाँ पे क्या मैच्योर होगा, स्टैमेन मैच्योर होता है पहले कंपेयर टू ओव्यूल, है ना। पहले स्टैमेन मैच्योर हो जाता है और ओव्यूल क्या होगा, इमैच्योर है, इमैच्योर है। अब बताओ कि एक मैच्योर पॉलन एक इमैच्योर ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन कर सकता है, नहीं कर सकता है। यानी कि अब फ्लावर का स्टैमेन किसी ऐसे फ्लावर से जाएगा जहां पे मैच्योर ओव्यूल होगा वहीं फर्टिलाइजेशन होगा। सेम फ्लावर पे तो क्या हो रहा है, सेम फ्लावर पे ये हो रहा है कि स्टैमेन पहले मैच्योर हो रहा है, ओव्यूल बाद में मैच्योर हो रहा है, जब दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का तो चांस ही नहीं है। अगर वो पॉलन अपने ही फ्लावर के ओव्यूल पे ले भी गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, है ना। तो ये प्रोटो एंड्री एक तरीका होता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो। दूसरा होता है प्रोटोगाइन, प्रोटोगाइन गाइनी गाइनी वर्ड से तो आप समझते ही हो कि जिसमें क्या हो, ओव्यूल पहले मैच्योर, प्रोटो फर्स्ट, गाइनी मतलब फीमेल, जिसमें फीमेल पहले मैच्योर हो जाए और मेल बाद में मैच्योर हो, उसको बोलते हैं हम प्रोटोगाइन। ओव्यूल मैच्योर फर्स्ट। ठीक, अब इसमें क्या होगा, स्टैमेन लेटर। अब अगर स्टैमेन बाद में मैच्योर हो रहा है इसका मतलब कि अब उसी फ्लावर का स्टैमेन या उसी फ्लावर का एंथर इसको क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है, नहीं। यानी इसको नीड होगी कि बाहर से कोई एजेंट, कोई पॉलिनेशन एजेंट, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, कोई वाइंड हो, वो मैच्योर पॉलन्स को किसी और फ्लावर से उठा के लाए और फिर उनको क्या करें, पॉलिनेट करें, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। ये दो कंडीशन हो गए, ये प्रमोट करते हैं आउटक्रॉसिंग को। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आउटक्रॉसिंग को या क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और उनमें अपना एक अडेप्टेशन होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से वो मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन ही करते हैं। फिर कैस्मोगैमी क्या बोलते हैं, कैस्मोगैमी बोलते हैं इस तरह के फ्लावर अरेंजमेंट को जिसमें क्या होता है कि ये फ्लावर जो है ये कम्प्लीटली ओपन है, कम्प्लीटली ओपन है, उसका जो स्टाइल है सिग्मा है कम्प्लीटली फ्रीली, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी ओपन रहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी ओपन रहते हैं। मतलब कैस्मोगैमी में दोनों होते हैं, कैस्मोगैमी में ये ओपन फ्लावर होते हैं, इतने खुले होते हैं कि इनपे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। फिर उसके बाद हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली क्या होता है कि स्टाइल जो होता है, स्टाइल का लेंथ अलग होता है, एंथर से ऊपर जाके, एंथर से ऊपर या एंथर से लंबे हाइट पे स्टाइल जो है वो अरेंज होता है, जिसे क्या होता है, अब एंथर नीचे है स्टाइल ऊपर है तो क्या पॉलन इस तरह से जाके चिपकने के चांसेस कम ही होते हैं, पॉलन के इधर जाने के चांसेस कम ही रहते हैं। पॉलन गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, और नीचे की तरफ गिरेगा तो जो है सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये हेट्रोस्टाइली होता है। इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, मेल स्टरिलिटी जनरली हम बोलते हैं, जिन प्लांट में CMS साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी मिल रहा है या जेनेटिक मेल स्टरिलिटी मिल रहा है, दोनों ही तरह के मेल स्टरिलिटी के केस में क्या होगा, जो पॉलन होगा उस प्लांट का वो इनकम्पेटिबल होगा, नॉन फंक्शनल होगा,
नॉन फंक्शनल पॉलन को लेके क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑब्वियसली उस फ्लावर को फर्टिलाइज करने के लिए दूसरे कंपैटिबल पॉलन की जरूरत होगी, जो कि दूसरे प्लांट से आएगा या दूसरे प्लांट के फ्लावर से आएगा। तो ये हो जाता है आउटक्रॉसिंग। तो हमने सुना क्लेस्ट्रोगैमी, जीनोगैमी और अपने क्या देखा, नेटोगैमी, ऑटोगैमी, ये सारी चीजें आपने देखी। ठीक, तो आप नेटोगैमी किसको बोल रहे हो? नेटोगैमी बोल रहे हो जब एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है तो उसको नेटोगैमी। जब अलग अलग प्लांट के बीच में अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है तब हम उसको बोलते हैं जीनोगैमी। जब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के एंथर और ओव्यूल के बीच में पॉलिनेशन होता है तब हम उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। तो ये तीन टर्म ध्यान में रखने का है। अब इसे June 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, पार्ट बी का सिंपल क्वेश्चन, दो नंबर दिलाता है, इतना इजी सा है। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स फ्रॉम प्लांट ब्रीडिंग सिस्टम दैट रिप्रेजेंट सेल्फिंग और प्रमोट सेल्फिंग। ठीक, सेल्फिंग को प्रमोट कर रहा है। तो सेल्फिंग में हमने दो टर्म तो पढ़ा ही, ये जो है क्लेस्ट्रोगैमी और नेटोगैमी, ये दोनों ही पढ़ा, क्लेस्ट्रोगैमी है और नेटोगैमी। क्लेस्ट्रोगैमी में क्या होता था, फ्लावर जो है वो क्लोज, उस क्लोज जैसे धतूरा, धतूरा का फ्लावर जब आप देखोगे धतूरा के फ्लावर के जो होती है वो कवरिंग होती है, फ्लू में कुछ दिन कवरिंग होती है, बाहर पूरा कवर रहता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। जब सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, मैच्योर हो जाती है ओवरी, तब उसके पेटल्स जो होते हैं अलग अलग खुल जाते हैं, और बहुत सारे धतूरे की स्पीशीज में तो पेटल्स अलग खुलते भी नहीं है। तो क्लेस्ट्रोगैमी जो कि क्लोज मैरिज है या हिडन मैरिज है वो तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करती करती है, और नेटोगैमी भी जो है वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। दो प्लांट है ए और बी, दोनों का जीनोटाइप अगर सेम है, और ये प्लांट सॉरी दो प्लांट नहीं, एक ही प्लांट जो है उस प्लांट का एक फ्लावर ए है और एक फ्लावर जो है बी, दोनों के बीच में आपस में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटोगैमी। क्लेस्ट्रोगैमी और नेटोगैमी सेल्फिंग को प्रमोट करते हैं। अगर मैं हाइपोगैमी को बोलूं तो हाइपोगैमी प्रमोट नहीं करता है। इसमें क्या होता है, हाइपोगैमी में प्रोटोएंड्री आता है, प्रोटोगाइनी आता है, ये दोनों कंडीशन आते हैं और इसलिए ये कभी भी सेल्फिंग को प्रमोट नहीं करेगा। एलोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए होता है, तो जहां भी एलोगैमी होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कराएंगे। तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप गलत है, हाइपोगैमी आ गया है, ये ऑप्शन भी गलत है। जो सही है वो है क्लेस्ट्रोगैमी, नेटोगैमी, ऑटोगैमी सही है, बट इन कॉम्बिनेशन में किसके साथ है, आउटक्रॉसिंग के साथ है ना, या क्रॉस पॉलिनेशन के साथ है, तो ये नहीं बनेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्लेस्ट्रोगैमी। यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया होगा, अगर मेरे एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो आप एक्सप्लेनेशन रीड करके भी क्वेश्चन कर। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है, अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल बोला कि ट्यूबर जो होता है पोटैटो का ट्यूबर, उससे नया प्लांट हम लगाते हैं, तो वो इस एक तरह से क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई आपका क्या हो रहा है, कोई पॉलन किसी ओव्यूल में नहीं जा रहा है, कोई भी ये फर्टिलाइजेशन। ऐसे में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो जीनोटाइप रहेगा वो जीनोटाइप मेंटेन रहेगा। सपोज कि जो जिस प्लांट से मैंने ट्यूबर लिया है, आलू का ट्यूबर, उसका जीनोटाइप कैपिटल ए है, कैपिटल ए कैपिटल ए, तो अब उस प्लांट के ट्यूबर से जो नया प्लांट बनेगा उसमें भी सेम जीनोटाइप रहेगा। अगर उस प्लांट जिसका ट्यूबर मैंने लिया उसमें स्मॉल ए है, तो अब जो नया प्लांट बनेगा उसमें भी स्मॉल ए ही रहेगा। ऐसे ही अगर उसमें हेटरोजाइगस कंडीशन है, तो अब जो नया प्लांट बनेगा उसमें भी हेटरोजाइगस कंडीशन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नया कॉम्बिनेशन बनेगा, इवन इन सेल्फ पॉलिनेशन थोड़ा कॉम्बिनेशन बनता है 7-8 जनरेशन तक, तब होमोजाइगोसिटी हो जाती है। जैसे मैं सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल दू, तो यहाँ पे दो तरह के ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, यानी तीन तरह के ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं।
जब मैं 7-8 जनरेशन तक लगातार पॉलिनेशन करवाऊंगी, सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगी, तब इसमें होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी, तब होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑपोजिट है, जैसा प्लांट का जीनोटाइप, जैसा उसके ट्यूबर का जीनोटाइप, वैसे ही नए प्लांट का जीनोटाइप होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के उम्मीद करना बेकार है, बिल्कुल भी हम उसमें वेरिएशन की उम्मीद कर ही नहीं। एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता है जीनोटाइप में। यूजुअली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म कर मैं बात करूँ तो ये बल्ब के फॉर्म में होता है, कॉर्न्स के फॉर्म में हो सकता है, राइजोम्स के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, स्टॉलम ट्यूबर्स के थ्रू हो सकता है, जैसे रूट प्रोपगेशन कर सकते हैं बहुत सारे लोग, जैसे स्वीट पोटैटो, राइजोम्स जैसे जिंगल में हो गया आपका, टर्मरिक में हो गया, इनमें राइजोम्स के थ्रू जो है वो नए प्लांट के प्रोपगेशन हो जाते हैं। ट्यूबर्स के थ्रू पोटैटो में हम करते हैं, मिंट में हमने देखा है कि मिंट का पौधा क्या करता है, क्रॉल करता है, ठीक, सॉइल के अंदर ही क्रॉल करता है, उसको हम सकर बोल रहे होते हैं, सकर के थ्रू नया प्लांट जो है वो बन जाता है। ऐसे ही बल्ब के थ्रू कर रहे हैं, ऑनियन में, गार्लिक में, हम बल्ब के थ्रू कर रहे हैं। तो ये सब होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि कोई वेरिएशन नहीं होता। ठीक, ओवरऑल मैटिंग सिस्टम का कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, कि अगर मैं सेल्फिंग कराऊंगी यानी सेल्फ पॉलिनेशन करा रही हूँ बहुत बहुत टाइम तक, तो पहला तो नो वेरिएशन, ठीक, कोई वेरिएशन नहीं होगा, प्योर लाइन मेंटेन रहेगा, प्योर लाइन मेंटेन रहेगा। तो अगर मुझे कभी भी प्लांट ब्रीडिंग में प्योर लाइन चाहिए तो मैं हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती हूँ, प्योर लाइन चाहिए, कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जो जैसा है वो वैसी ही वैरायटी रहे, तो मैं प्योर लाइन को प्रमोट करूंगी और उसके लिए मैं सेल्फ पॉलिनेशन करूंगी। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का ड्रॉबैक क्या है कि इनब्रीडिंग लिब्रेशन होता है, जिसकी वजह से प्लांट की फर्टिलिटी कम होती है, वाइगर कम होता है, ठीक, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है रिड्यूस होती है टाइम टू टाइम। शुरू में आपने देखा अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है, ठीक, तो मुझे एक दो जनरेशन तक तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेंगे, है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैं लगातार चलूंगी, लगातार कई 7-8 जनरेशन के बाद मैं एक ही चीज देखूंगी, तो मुझे पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होमोजाइगस कंडीशन मिलेंगे। यानी ये वेरिएशन वाला जो मामला है वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो रही है, रिड्यूस होते जा रही है, कम होते जा रही है, मोस्टली सिमिलर काइंड का ही क्वालिटी मिलता जाएगा और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, ये इसका ड्रॉबैक है। फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, अगर मुझे प्योर लाइन मेंटेन करना है तो मैं सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगी। आउटसोर्सिंग के बहुत फायदे हैं भाई, आउटसोर्सिंग लाइक मैंने कहा कि ये वरदान है, वरदान में ब्लेसिंग है प्लांट ब्रीडिंग का। क्यों ब्लेसिंग है, क्योंकि ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ाती है, मैं अलग अलग तरह के उसको लेके अलग अलग वेराइटीज के जो है प्लांट्स को या क्रॉप्स को आपस में क्या करा सकती हूँ, पॉलिनेट करा के एक नए तरह की वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। और इसलिए आउटक्रॉसिंग जो है वो वेराइटी इंट्रोड्यूस करने के लिए अच्छा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज करता है प्लांट्स में, वैरायटी इंक्रीज करता है, और इसकी वजह से प्लांट का वीगर स्ट्रांग होता है, फर्टिलिटी स्ट्रांग होती है, हम बेटर वीगर, बेटर फर्टिलिटी, बेटर यील्ड वाले प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा से ज्यादा प्लांट ब्रीडर्स प्रमोट करते हैं। तो इसके साथ जो है आज का अभी मैटिंग सिस्टम का क्लास जो है वो ओवर होता है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।